अच्छे होंगे और दिल से स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल छवि अश्विनी कुमार में। और मैं हूँ छवि। और आज पीछे का जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट जो है यहाँ पर थोड़े भर गए हैं। फिर से सबको जगह पकड़ाना है, तो आपको थोड़ा सा पीछे आपको बैकग्राउंड थोड़ा मैसी लगता होगा, तो इग्नोर कीजिए। आप मुझे देखिए और जो मैं रिव्यू कर रही हूँ उसे देखिए, ठीक है ना? ओके, तो आगे चल के अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, आगे चल के अगर मैं फर्स्ट टाइम एक्चुअली आपसे मेरे YouTube चैनल पे आया है, तो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे सब्सक्राइब कर दे, बाजू में एक बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दे। उससे ये होगा कि जब कभी भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देख पाओगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, थोड़ा सा भी यूजफुल लगे, तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल के ऊपर चल रहा है गिव अवे, तो रूल्स और रेगुलेशन जो भी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एक्चुअली थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जब आप हैशटैग लगाते हो तो कभी आपके कमेंट जो है वो डिलीट हो जाते हैं और कभी आपके कमेंट रह जाते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, आप अगर मुझे पार्टिसिपेट कर रहे हो, बहुत ऐसे कमेंट है जो अभी भी दिख रहे हैं मुझे, लेकिन बहुत के ऐसे कमेंट है जो बोल रहे हैं कि उनके कमेंट डिलीट हो जा रहे हैं। डोंट वरी, अगर आपको लग रहा है कि आपके कमेंट डिलीट हो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। आप मुझे, अगर आप मुझे मेरे इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप हैशटैग लगा करके मुझे इंस्टाग्राम पे आप कमेंट डीएम कर सकते हो, तो वहां पे मुझे पता चल जाएगा कि आप मुझे पार्टिसिपेट कर रहे हो। लेकिन एक बात की तकलीफ है, जो मेरा ब्लॉगिंग चैनल है और जो मेरा नेचुरल ब्यूटी विद छवि है, उसके चैनल के जो वीडियोस हैं आप फुल नहीं देख रहे हो। तो इतना आप करो कि जब भी मैं कोई भी अपना वीडियो अपलोड करती हूँ, यार बोरिंग नहीं होते हैं वीडियो, सबके वीडियो 2 मिनट या 3 मिनट के नहीं होते, मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं क्योंकि मैं हर चीज डिटेल में बताती हूँ, इस चक्कर में मेरे वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं। शॉर्ट के में अगर मैं वीडियो बनाती हूँ 3 मिनट या 4 मिनट, तो वो भी आप लोग हाफ ही देखते हो। 10 मिनट्स के बनाते हो तो भी आप हाफ देखते हो, ऐसे नहीं होगा ना। तो फुल वीडियो वॉच किया कीजिए। फुल वीडियो वॉच करने से ये होता है कि आपके जो नॉलेज है ना वो कम नहीं रहेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए बात को यहाँ पे देती हूँ विराम और जिस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाई हूँ उस टॉपिक के ऊपर आ जाती हूँ। मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ आफ्टर वॉश जो है, आफ्टर वॉश और आयरन करने के बाद मुझे प्रोडक्ट कैसा लगा सब कुछ। एक तो जब हम लोग प्रोडक्ट को परचेज करते हैं उस समय हमें पता होता है वाओ प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कलर कितना ब्राइट है, ये दिस डैट बहुत कुछ होता है। जहाँ हम लोग वॉश करते हैं उसके बाद उसकी रियलिटी हमें पता चलती है कि बापरे वो ये एक बार वॉश की और उसके बाद ही इसका तो कलर चला गया, इसकी क्वालिटी बेकार हो गई। तो उन सब के लिए मैं आप सबको अवेयर करने आई हूँ, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए सही रहने वाला है, कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए गलत रहने वाला है, वो सब कुछ डिटेल में बताने के लिए आपकी ये छवि आई है। स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट नंबर 1 से, यानी कि पहले कुर्ते से। तो जो ये पहला कुर्ता है ये आपको ब्लैक कलर के कुर्ता में है। डिटेल रिव्यू जो है मैं कर चुकी हूँ, हॉल बना चुकी हूँ मिंत्रा हॉल, तो उस अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप डिटेल में आप जाकर के वीडियो को देख पाओगे। जहां तक आफ्टर वॉश करने की बात है, मैं आपको बता दूं आफ्टर वॉश ये जो कुर्ता है ये बहुत 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 ही खूबसूरत रहा है। न इसका कलर गया है, न इसका मीन्स जो इसके अंदर जो ज्योमेट्रिक प्रिंट है कहीं से कुछ भी नहीं गया है। इसका जो फैब्रिक है और भी बेहतरीन हो गया है आफ्टर वॉश। तो मैं आपको कहूंगी ये 100% आप इसको परचेस कर सकते हो। फिटिंग वाइज की अगर आप बात करते हो तो थोड़ा भी ये श्रिंक नहीं हुआ है। तो जो साइज आप परचेस किए हो ना वो साइज, जैसे आप मान लो 34 आप परचेस किए हो और अगर आप वॉश करते हो इस कुर्ते को कि फर्स्ट वॉश करते हैं, तो आफ्टर वॉश आपको ये 34 ही मिलने वाला है, यानी कि थोड़ा सा भी श्रिंक
नहीं होता है। ये कुर्ता तो मेरे पर्स से मेरे तरफ से 100% है कि आप इसको परचेज कर सकते हो। मेरे तरफ से बिग वाला थम्स अप है। 100% कॉटन फैब्रिक है, बेहतरीन है, आप इसको एकदम से परचेज कर सकते हो 100%। अब बात कर लेते हैं सेकेंड कुर्ता की। और जो सेकेंड कुर्ता है ये तो ऐसा कलर है ना, जहाँ बॉडी के ऊपर रखते हो कि आपकी खूबसूरती है ना वो निखर निखर जाती है। और ये है ब्रांड गेरुआ के तरफ से। और ये अगर फैब्रिक की बात करते हो तो प्योर कॉटन है। डिटेल में मैं रिव्यू कर चुकी हूँ। आफ्टर वॉश न इसका प्रिंट लग गया है न इसका कलर थोड़ा सा भी लाइट हुआ है। जहाँ तक अगर आप फिटिंग की बात करते हो तो फिटिंग भी जैसा पहले था वैसा ही है, यानी कि इतू सा भी ये श्रिंक नहीं किया है। तो मैं इस ब्रांड को, इस पैटर्न को, इस कुर्ते को बिग वाला थम्स अप देती हूँ। आप इसको आराम से परचेज कर सकते हो, फिटिंग वाइज 100, कलर वाइज सब कुछ वाइज 100। तो आप आराम से इसको परचेज कर सकते हो। इसका भी मैं रिव्यू कर चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाने वाला है। अब बात कर लेते हैं मेरा फेवरेट कुर्ता की, मेरे फेवरेट कुर्ते की। तो ये है जयपुरी कुर्ती। और जयपुरी कुर्ती का जो ये आपको सेट है, आफ्टर वॉश तो मुझे लग रहा है ये और भी ज़्यादा खूबसूरत ही दिख रहा है। जैसा कलर था वैसा ही है, थोड़ा सा भी श्रिंक नहीं हुआ है, यानी कि इतू सा भी श्रिंक नहीं हुआ है, ना बॉटम श्रिंक हुआ है, ना ये श्रिंक हुआ है, ना इसका कलर थोड़ा सा भी नहीं गया है। तो मेरे तरफ से इसको भी आपको मैं बोल रही हूँ बिग वाला थम्स अप। आप आराम से इसको आंख बंद करके परचेस कर सकते हो, जो भी आपका साइज है उस साइज का परचेस कर सकते हो एकदम 100%। तो ये हो गया, सब है आपको संग्रिया। और ये सॉरी इसके लिए, क्योंकि बाकी सब में आपको आयरन मिलेगा, इसमें आयरन नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है मींस सब चला गया था आयरन में और ये एक मुझसे मिस हो गया था। लेकिन अगर बात कर लेते हो कि कलर गया है इसका या नहीं गया है, तो इतू सा भी कलर इसका नहीं गया है। जहां तक श्रिंक होने की बात है, थोड़ा सा भी श्रिंक नहीं हुआ है, यानी कि जिस साइज में आप परचेस करते हो इस कुर्ते को वही साइज आपका रहने वाला है, थोड़ा सा भी श्रिंक नहीं होने वाला है। और मेरे ऊपर ये बहुत 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 ज्यादा स्मार्ट लग रहा था, तो एकदम से बिग वाला थम्स अप है, आप इसको परचेस कर सकते हो। अब कर लेते हैं फिफ्थ कुर्ते की। तो ये जो है ये पूरा आपको कुर्ता सेट है और ये ब्रांड है गेरुआ। आफ्टर वॉश जो है ये मुझे, जो ये गोल्डन कलर है, मुझे अभी तक तो ये गया हुआ ऐसा नहीं दिख रहा है, जैसा था वैसा ही दिख रहा है। अगर जहां तक आप दुपट्टे की बात करते हो तो दुपट्टा को मैं एकदम अलग से वॉश की थी, एकदम इजी में वॉश की थी। इसे भी, जो भी आप कपड़ा देख रहे हो, सबको मैं इजी में ही वॉश की थी। और जो, क्योंकि अगर इस टाइप की अगर आपके पास कुछ प्रिंट है या फॉयल प्रिंट हो या फिर कुछ ऐसे गोल्डन कलर की अगर आपके प्रिंटेड अगर आपके कुर्ता हो, तो कभी भी जब भी आपको वॉश करना चाहिए तो उल्टा करके वॉश करना चाहिए। और लाइट जो आपका कोई भी जो माइल्ड जो डिटर्जेंट हो ना, तो उसमें वॉश करना चाहिए। तो मैं इजी में वॉश की हूँ और मुझे ये 100% सही लगा है। इसमें मुझे थोड़ा सा भी श्रिंक किया हुआ नहीं दिखा है। कलर वाइज भी सेम है और फिटिंग वाइज भी सेम है। तो मेरे तरफ से इसको भी बिग थम्स अप आपको देने वाली हूँ। आप आराम से इसको परचेस कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिटिंग वाइज सब कुछ वाइज परफेक्ट है। अब बात कर लेते हैं लास्ट कुर्ते की, जो मैं मिंत्रा से परचेस की हुई हूँ। और वो है आपको ही है गेरुआ के तरफ से। जहां तक इसके कलर की बात करते हो, इसको मैं तकरीबन नहीं भी तो 10 या 12 बार वॉश कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं इसका आपको रिव्यू करती हूँ कि ये आफ्टर वॉश थोड़ा सा भी इसका कलर लाइट नहीं हुआ है। जहां तक फिटिंग की बात करते हो, फिटिंग भी 100% जैसा था वैसा ही है, यानी कि इतू सा भी श्रिंक नहीं हुआ है और ना ही इतू सा इसका कलर फेंट हुआ है। तो ये बहुत सही रहने वाला है अगर आप इस कुर्ते को भी परचेस करते हो तो। तो मेरे लिए ये आपको बिग थम्स अप देती हूँ मैं इसको, कि आप आराम से परचेस कर सकते हो। आई होप कि आफ्टर वॉश रिव्यू करना आपको मेरा अच्छा लगा हो। बहुत जल्द मैं आजियो से जो भी मैं परचेस की हूँ उसके भी आफ्टर वॉश रिव्यू करने वाली हूँ। और मिंत्रा से और भी बहुत सारे कुर्ता जो है वो परचेस की हुई हूँ, तो वो सबके रिव्यू आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो अच्छा लगे हो तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मैं क्या करूंगी, सबके जो भी कुर्ता मैं परचेस की हूँ ना, तो जिस वीडियो के अंदर मैं इस कुर्ता का रिव्यू की हूँ ना, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा,
आप उस वीडियो को देखोगे उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे और आप परचेस कर सकते हो। मुझे भी थोड़ी आसानी हो जाएगी, मुझे फिर से लिंक वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप कि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।